जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल शानदार और जबरदस्त होंगे। फाइनली यूपी पुलिस आपको एएसआई, एसआई, इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, जो ये चार वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग एक अपडेट निकल के आ रहा है। स्पेशली इसके एग्जाम, कितने फॉर्म भरे गए हैं, हर चीज के बारे में जो है जानकारी निकल के आ रही है। किसी के द्वारा जो है आरटीआई फाइल किया गया था तो बोर्ड के द्वारा जवाब दिया गया है। जवाब जो है समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लोग क्या जवाब दिए हैं, क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, जैसे कि आपका इसका एग्जाम कब तक होगा, कितने फॉर्म भरे गए हैं, जो भी पूछेगा पूछा गया है उसका क्या जवाब बोर्ड के द्वारा दिया गया है आप देख पाएंगे इसमें, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए और नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इसके साथ साथ हमने इससे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड और बेकायदा इंटरव्यू भी डाला है हर कैटेगरी का, तो आप लोग एक बार जाके और जॉब प्रोफाइल वाला प्लेलिस्ट है उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी तैयारी से लेकर और इसके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड सब कुछ। अब देखिए बेकायदा आरटीआई रिप्लाई क्या आया है इसके बारे में हम बताते हैं। ये लेटर आप हमारे टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बेकायदा क्या क्या लिखा है, 9/4/2024 का अवलोकन करें, जिसमें आप द्वारा सूचित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उप निरीक्षक गोपनीय एवं सहायक उप निरीक्षक लिपिक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में सूचना मांगी गई है। ये जो फाइल किया है उसके द्वारा बताया गया है। इसमें चार तरह की सूचना मांगी गई है। पहली सूचना क्या है, आपके द्वारा मांगी गई सूचना। इसमें पहली सूचना मांगा गया है हम लोगों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लेखा मतलब एएसआई एसआई एवं सहायक उप निरीक्षक लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के सापेक्ष कुल कितने आवेदन भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुए हैं, कृपया वर्ग अनुसार मतलब कि कैटेगरी अनुसार बताने का कष्ट करें, ये हम लोगों के द्वारा पूछा गया है। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा क्या जवाब आया है, मतलब हद है। हमको लगता है कि पहली बार कोई भर्ती बोर्ड से कोई आरटीआई फाइल करके जवाब मांगने की कोशिश किया है, लेकिन इनका जवाब संतोषजनक भी नहीं है। बेकायदा इनके द्वारा लिखा गया है, इस संबंध में कार्यवाही प्रचलित है और इसके मध्य किसी भी प्रकार की सूचना दिया जाना संभव नहीं है। मतलब कि मोटा मोटी ये लोग बता रहे हैं कि अभी जो भी आपके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है इसका जवाब देना संभव नहीं है, कार्य प्रचलित पे है, मतलब कार्य जो भी होना चाहिए हो रहा है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, लगभग सबका जवाब इसी के आसपास आया है, उपरोक्त तीनों पदों उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक की परीक्षा के लिए क्या भर्ती बोर्ड द्वारा कोई तिथि नियत अथवा प्रस्तावित की गई है। अब मतलब कि एग्जाम, जैसे कि एएसआई एसआई एग्जाम डेट के बारे में पूछा गया है, एग्जाम डेट के बारे में, तो इनके द्वारा क्या बताया गया है, इस बिंदु के संबंध में अवगत कराना है कि आपका आप द्वारा मांगी गई सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, आप अवलोकन करते रहें। मतलब कि ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट जो है उस पर ये भ्रमण करने के बारे में बात कर रहे हैं, बताए नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की विज्ञापन के सापेक्ष कुल कितने आवेदन भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुए, मतलब वही ये जो दो वैकेंसी है इसके बारे में वही क्वेश्चन पूछा गया है और फिर सेम जवाब दिया गया है कि कार्य जो है प्रचलित है, जवाब नहीं दे सकते हैं। फिर पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ए की परीक्षा हेतु क्या भर्ती बोर्ड द्वारा कोई तिथि निर्धारित की गई है, फिर वही जवाब दिया गया है, इस बिंदु के संबंध में अवगत कराना है कि आप द्वारा मांगी गई सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा जिसका आप अवलोकन करते रहें। मतलब कि आप देख सकते हो भर्ती बोर्ड के द्वारा बेकायदा ये चीजें मांगी गई है हम लोगों के द्वारा, लेकिन इसका वे लोग जवाब नहीं दे पाए हैं और कुछ इधर उधर गोल गोल घुमा के बता दिए हैं कि आप जो है वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, अभी हम लोग कार्य को प्रोग्रेस में किए हुए हैं तो ये जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह के जो है स्टेटमेंट बोर्ड के द्वारा दिया गया है और आप हमसे पूछते हो इसका एग्जाम कब होगा, तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो सारा फोकस जो है ये 60,244 जो वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, मतलब कांस्टेबल की, इस पे सारा फोकस है, ठीक है। इस वैकेंसी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, आरटीआई फाइल करके भाई जवाब मांग लिया गया, अब इस जवाब में भी जो है बोर्ड के द्वारा यही चीजें बताई गई, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो ये जो कांस्टेबल का एग्जाम है आपको अगस्त पूरा देखने को मिलेगा, अब अगस्त के बाद ही जो है कोई एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो मान के चलिए कि आपके पास एक मंथ पूरा समय है, अगले मंथ में कोई ना कोई इससे रिलेटेड अपडेट मिल सकती है, मतलब कि सितंबर में,
ठीक, उसके पहले जो है आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी कि आपका एग्जाम कब होगा। तो ठीक, तो सितंबर में आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, या फिर से एक रीट फाइल किया जाएगा, फिर से पूछा जाएगा कि क्या इसका जवाब आता है। तो अभी तक का तो यही जवाब है। अब रही बात न्यू वैकेंसीज की, न्यू वैकेंसीज का भी जो है बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसीज का भी इंतजार जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग कॉन्स्टेबल का फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि उनका एज जो है नहीं पूरा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरोगा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी वैकेंसी भाई, जब ये वैकेंसी जो चल रही है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो ये नई वैकेंसी आएगी, मतलब कोई भी नई वैकेंसी पुरानी वैकेंसी इस वैकेंसी के बाद ही उसका कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो नई वैकेंसी का इंतजार भी आप कर रहे हो, तो मान के चलो सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, और पुरानी वैकेंसी का तो देख ही रहे हो। ये रहा आरटीआई रिप्लाई, तो बहुत मतलब समझ लो कि बेकार रिप्लाई दिया गया है, संतोषजनक भी नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, और इससे रिलेटेड काफी सारी हमने वीडियो बनाया है, तो आप जाके जॉब प्रोफाइल वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एग्जाम तो जो है सितंबर में ही होने की संभावना है। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं तो उसकी तैयारी जम के करिए, सभी को ऑल दी बेस्ट। और ये सब वैकेंसी का फॉर्म भरे हैं तो इसकी भी तैयारी आप जम के करिए, एग्जाम आपको बहुत जल्द इसी साल देखने को मिलेगा।